जय हिंद दोस्तों। ये पूरा सोना है, ये हम लोग जो काम करता है उसका वेस्ट है। इसको फिर अभी गिला के एक चेन बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। ये देखिए 27 ग्राम 830 मिली, इसको मूंछी कहते हैं, हाथ मुची। एक मिट्टी का है, इसमें गिला देखिए दोस्तों। ये तार और पात का मशीन है, इसका नाम तारपट्टा है, हम लोग तारपट्टा कहते हैं। अभी जो सोना गीला के काटी हुआ था वो काटी इस मशीन में थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं। थोड़ा सा लंबा करने के बाद जैसा जैसा ऑर्डर है उस हिसाब से इसको कैलकुलेशन करके काटना पड़ता है। दोस्तों इस चैनल पे कुछ भी फेक वीडियो नहीं मिलेंगे। आप लोगों को कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ये वीडियो बहुत बड़ा बन गया, इसका पार्ट टू पार्ट इस चैनल पे आप लोगों को मिलेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखिए। काटने के बाद फिर वेट चेक करके इसको गर्म करना पड़ता है। गर्म करने के बाद कितना इंची चेन में कितना तार होता है उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। देखिए तार बांध के रेडी हो गया। अभी इसको अच्छी तरह से गर्म करने के बाद पात बनाएंगे। एक चेन 3 से 4 घंटे टाइम लगता है बनाने के लिए। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका पार्ट टू पार्ट हम लोग इस चैनल पे आप लोगों को बना के देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसका दूसरा पार्ट भी मिलेंगे। देखिए अभी पात हो रहा है, अभी पात बन रहा है। कितना इंच चेन में कितना तार कितना पात लगता है कैलकुलेशन करके उसके बाद बांधना पड़ता है। अभी पात बन रहा है, मशीन का बैक साइड है। देखिए पात बन के रेडी हो गया। इसको इसी तरह से रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा बाद में। ये देखिए इसको माइक्रोमीटर कहते हैं, इसका कितना चौड़ा है कितना मोटा है कितना चौड़ा है सब देखना पड़ता है। अभी चौड़ा दिख रहा है, अभी कितना मोटा है वो दिख रहा है, अभी थिकनेस कितना है। देखिए वो पात बन के रेडी हो गया। इस पात को अभी गर्म करना पड़ेगा, अच्छी तरह से गर्म करना पड़ेगा। इसको गर्म करके फिर स्प्रिंग बनाएंगे, इसके अंदर कॉपर डाल के तांबा तार डाल के स्प्रिंग बनाएंगे।
देखिए दोस्तों, ये स्प्रिंग मशीन है, इसमें स्प्रिंग बांधता है। अभी देखिए इसमें मोटर भी लगा हुआ है, ये मोटर है, स्प्रिंग, ये स्विच है इसका, ये तांबा का तार है, ये बारीक मोटा मीडियम सब साइज में मिलता है। जैसा जैसा काम का ऑर्डर आता है उस हिसाब से काम में लगता है। अभी ये और सोना पात एक साथ स्प्रिंग होगा, ये सोने का पात गर्म करके रखा है। देखिए दोस्तों, ये डाइस है, इसको जंती भी कहते हैं हम लोग, इसका अंदर होल है, ये देखिए इसके ऊपर एक नंबर भी लिखा है, 100 नंबर लिखा है इसके ऊपर, देखिए 100 नंबर लिखा है, ये शॉप पे नंबर लिखा है, और इसमें छोटा बड़ा सब होल है इसके अंदर। जैसा जैसा काम होता है उस हिसाब से लगता है ये। अभी देखिए इसके अंदर से सोने का पात और तांबा का तार एक साथ निकल रहा है। देखिए सोने का पात लेफ्ट साइड में है, ये सोने का पात है, और राइट साइड में कॉपर का तार है, ये देखिए कॉपर का तार, ये दोनों एक साथ और जंत्री का अंदर से निकल के, देखिए नीचे सोने का पात है, ऊपर तांबा का तार। अभी देखिए ये सोलाई कहते हैं हम लोग, इसको सोलाई बोलते हैं, इसका ऊपर स्प्रिंग होगा। देखिए कैसे स्प्रिंग बन रहा है, अभी सोने का पात और तांबा का तार एक साथ, देखिए अभी स्प्रिंग हो रहा है। देखिए देखिए बाहर सोना है, अंदर तांबा है, देखिए नीचे देखिए पात है सोने का और ऊपर तांबा है, लेकिन जब बाहर निकल रहा है स्प्रिंग हो रहा है, उसके अंदर तांबा का तार चला जा रहा है, बाहर सोने का पात है। देखिए हो गया स्प्रिंग, आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ। देखिए ये स्प्रिंग हो गया, अभी इसके अंदर कॉपर है, तांबा का तार, अभी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखिए मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। देखिए आप लोग ध्यान से, थोड़ा सा दिख रहा है अभी वो जो एक लाइन जैसा, अभी देखिए आप लोग, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। बाहर सोना है और जो पात था वो बाहर आ गया, अंदर तांबा का तार है, इसका दूसरा पार्ट देखना ना भूलिए।